सत श्रीकाल स्टूडेंट, तुहाडा स्वागत है साडी यूट्यूब चैनल आगाज क्लासे उपर। सो अपना जिहड़ा कंसैप्ट सीगा मैथ ते आपां कर रहे हां कंसैप्ट, है ना, तां उहदा अज इक आपां नवां चैप्टर शुरू करन जा रहे हां। वह चैप्टर हैगा एवरेज, ठीक है। तो गल करते भी अपना एवरेज हैगा वह की हुंदा एवरेज, आपां रियल लाइफ विच एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई स्कूल हैगा चलो किसी दसवीं क्लास के विद्यार्थी ने गए उन्होंने विद्यार्थियों की कहा गया कि असं तुहाडा टूर लैके जा रहे हैं, तो सारे ने मतलब अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है ना, कॉन्ट्री करनी है। तो की करे बच्चों ने कि किसी ने 50 रुपए लेके दिए, किसी ने 100 लिया, किसी ने 70 लिया, किसी ने 80 रुपए लेके आया, कोई 150 ले आया, है ना, कोई 120 ले आया। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी सी, 6 विद्यार्थियों के अलग अलग बच्चे ने किसी ने 100 है ना 50 70 80 रुपए लेके आए ने, तो उन्होंने है ना। तो जी एवरेज होंगी हैगी वह की दर्शाती होंगी है कि जो जो अपनी वैल्यू है जो जो संख्यावान है उन्होंने एक अजि संख्या के तब्दील करना, अजे अंक के तब्दील करना कि वह सारे रीप्रजेंट करे, सारे दर्शावे। मतलब कि कहना की चाहते हैं कि आप भी ये बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी है, आप सारे इस तरह दर्शा देवे कि मान लो भी जो किसी ने 50 रुपए दिते ने तो वह अपने आप को छोटा ना समझे, वह उन्होंने ही शामिल हो सके। जिहड़ा 120 वाला या 150 वाला वह वड्डा हो गया तो वह इस तरह आ जाएगा एवरेज के समा जाएगा कि वह सारे सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। हुण किवें होणगे, इहदे विच की होगा, पहला तो आपां सारी संख्यावां दा की करना होंदा जोड़। देखो 100 150 120, ठीक है, 80 70 50, ये तुसीं किसे अकॉर्डिंग लै सकदे हो उपर नीचे। तो देखो 0 5 7 5 0 7 7 8 15 7 22 5 27 2 2 3 3 4 5 570, तां कुल रुपए हो गए 570, कुल रुपए हो गए 570। उहदे विच विद्यार्थी ने कीती 6, मतलब 6 विद्यार्थियों ने 570 रुपए जमा करवाए सी। तां हुण जिहड़े 570 रुपए नेगे आपां इहनां नूं मतलब कि 6 जणे की कर देना गा वंड देना, 6 जणे की कर देना वंड देना। हुण देखो वंड किन्ना हुंदा गा, 7 6 42, 8 6 48, 9 6 54, ठीक, 3 30 6 5 30 6 5 30। हुण मतलब कि कहने का भाव हैगा आपां इह वैल्यूज नूं इह रुपईआं नूं आपां ने इस तरह बना लिया गा कि सारे विद्यार्थियों ने मान लो 95 95 रुपये जमा करवाए ने, तो उहदे विच 50 रुपईआं वाला विद्यार्थी भी आ गया विच। हुण देखो किसने 70 रुपये जमा करवाए सीगे, मतलब उहदे आपां एवरेज ही इक इहो जिही चीज़ हैगी जिहड़ी उसनूं इस तरह रीप्रजेंट करदी हैगी कि उह सारे दे इक्वल बन जांदे। मान लो इतने यही चीज निकल के आई है अपने को सारे विद्यार्थियों ने 95 95 रुपये जमा करवा दिते ने, जिस नाल साढ़े को 570 रुपए बने, ठीक है। हम इतों एक गल निकल के की होंगी हैगी भी जी एवरेज हैगी वह कि बराबर होंगी है, एक बेसिकली फॉर्मूला कह सकते हो। यह मतलब किस चीज़ शो कर रहा है, इस चीज़ शो कर रहा है कि जी एवरेज होंगी हैगी एवरेज इक्वल टू इक्वल होगी सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। मतलब की कहा जाए पंजाबी गल करिए संख्यावां दा जोड़, संख्यावां दा जोड़ नीचे बटा, बटा मतलब के भाग, किसते भाग करने अपने, है ना, संख्यावां दी गिनती, संख्यावां दी गिनती। यह चीज जिहड़ी है जी यह किसान दिखा दर्शाती है जी, वह दर्शाती अपनी एवरेज। तो इतों ये नोट कर लो भी सम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म भाग के संख्यावान का जोड़ नीचे बटा संख्यावान की गिनती, यह अपनी एवरेज।
हम मान लो मतलब अपना कोई वैल्यू लेने हैं, जो अपना और एक चीज की चीज से देखो, जब अपने एवरेज लिखी है, एवरेज की लिख दिया सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हुन अपन कई बार लगता की हुंदा गा भी अपन सम टर्म गा भी ये संख्यावां ने जेडी उना दा सम गा सानू इना दी एवरेज कड्डो जा नंबर ऑफ टर्म दे पता करो। हुन एक चीज देखो की ध्यान नाल लिख के गया, जेडी नीचे वाली संख्या है ओहो इधरले पासे जाके होजू क्रॉस मल्टीप्लाई, इधरले जाके पासे होजू क्रॉस मल्टीप्लाई, तां की बन गया इत्थों होर अपनी फार्मूला की बन गया एवरेज इनटू मतलब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू सम, मतलब सम की दे इक्वल हो गया अपना भी जिन्नी संख्यावां दी एवरेज दी होई आ उस नूं उन्नी संख्यावां नाल गुणा कर दित्ता जावे तां उह अपना सम दे इक्वल हुंदा, एवरेज नूं उन्नी संख्यावां दे नाल की करया जावे गुणा कराया जावे तां उह अपना सम दे इक्वल आ जावे। हुण मान लो कोई इक अपना समा कहता इफ द वेट ऑफ, इफ द वेट ऑफ ए इज 60 केजी 60 किलोग्राम का, बी वे इज 45 केजी, डी का जो वेट है वो 45 किलोग्राम एंड सी इज 54 केजी, मतलब ए का भार है 60 किलोग्राम, बी का भार 45 किलोग्राम, सी का भार है 60 किलोग्राम। फाइंड द एवरेज, हुण आपां ने की पता करनी है इन्हां दी एवरेज, फाइंड द एवरेज। ठीक देखो हुण आपां की करिया सीगा, जिहड़ी संख्यावां नूं उन्हां दी करना हुंदा अपने सम, मतलब एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। देखो सम एक किन्ना दा ए वैल्यू 60 45 54 इनका सम हूँ वैल्यू कि एक जाना दो जाना तीन जाने वैल्यू कि अपनी थ्री वैल्यू कि थ्री ये थ्री के भाग कर अपना हम देखो पांच चार नौ जीरो को याद है हूँ पांच चार नौ ते छे पंद्रह छे चार दस पांच पंद्रह ठीक है। नीचे की करना तीन तीन ते करो नूट गए देखो 159 में तीन ते करे डिवाइड पांच तीन पंद्रह थ्री इक्वल टू 53। जे थोनू एक्सपीरियंस है वो चीज दर तुसे चूज कर सकते पांच तीन पंद्रह तीन तीन नौ मतलब 53 अपनी चीज आ गई एवरेज। ये वेट के विचों जे किसी 60 45 54 थी तो उन्हों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आप लैके चले जाएंगे उन्हों का वेट की आ गया 53 केजी, केजी इक्वल टू किलोग्राम। हुण कई बार की दिता हुंदा कि आपां नूं संख्यावां दी एवरेज दित्ती आ मतलब आपां नूं चाहे तीन दी एवरेज दित्ती चार दी दित्ती किन्ने वी दे सकदा आ क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग, उहदे विच इक संख्या मिस हो गई इक वैल्यू मिस हो गई आपां ने उह वैल्यू फाइंड करनी हुंदी है वी आपां वैल्यू फाइंड किवें करनी है। हुण उह जिहड़ी आपणी एवरेज आ गई उत्थे कंसैप्ट आपणा इही लगू एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। हुण उसे तों ही आपणे यूज करके कोई चाहे पहली वैल्यू पूछे दूसरी पूछे तीजी पूछे चौथी पूछे अपने कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हूँ लाइक के जो अपना क्वेश्चन हैगा उसके की कहा गया कि कोई परसन हैगा मान लो राम परसन उसकी जी इनकम है इनकम लगा लो चाहे वह एक्सपेंडिचर हैगा उसकी एक्सपेंडिचर की राम एक्सपेंडिचर ज हुण उहदा जिहड़ा एक्सपेंडिचर भाव ते खर्च उहदे राम दे खर्च दी जिहड़ी आपां नूं एवरेज दित्ती हुई है जी उह 90 रुपए दित्ती हुई है 90 रुपए दित्ती हुई है जी।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ₹100 ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ₹125 ਥਰਡ ਡੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ₹85 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 90 ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖਤਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 125 85 ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਕਸ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਲਓ ਲੈਟ ਫੋਰਥ ਐਕਸ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਵਰੇਜ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ 90 ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 90 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ 90 ਗੁਣਾ 4 ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੇ 5 10 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਸਲ 1 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 1 11 ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਹੋਰ 1 2 3 1 2 3 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਆਈ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਹ ਅੰਕ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 5 5 10 8 10 ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 4 36 360 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 310 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 360 ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ 45 ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 310 ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 310 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 310 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਉੱਧਰ ਉਹ ਐਕਸ ਐਂ ਪਿਆ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 360 ਸੀ 360 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 310 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 310 ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਘਟਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 50 ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਡੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ₹50 ਠੀਕ ਹੈ
इस होर तरीके भी आप कि कर सकते हैं। हम आप चीज पढ़ी सी कि जो नैचुरल नंबर होंगे अपने नैचुरल नंबर वो कितों चलते होंगे ने वो आप चलते हैं हमेशा एक दो तीन चार पाँच छः जिसे तक भी आपने फाइंड करने के वह अपने हो गए नैचुरल नंबर है ना एक तो स्टार्ट होंगे। हूँ आप गल कर अपने नैचुरल नंबर दिते होंगे है उन्होंने अपने एवरेज कटने होंगे। मान लो जी मैं कहता भी एक दो तीन चार पाँच छः सत्त इन्ह की एवरेज कटो तुम्हें की करना गा इन वैल्यू का करना अपने जोड़ ठीक है जी एक दो तीन चार पाँच छः सत्त तक करना जोड़ कि वैल्यू है सत्त फिर उन्होंने सत्त न की करो डिवाइड करोगे है ना। बट जो एक कंसैप्ट है वो तुम ध्यान करना नोट कर लेना है वो कंसैप्ट की है वो आप लिख लेने के फिर तुम चीज समझाई जाएगी। जदों संख्याव लड़ीवार हो डिफरेंस भाव के अंतर बराबर होवे तां एवरेज की होगी एवरेज होगी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो भाव के फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल अपॉन टू। हूँ देखियो की चीज है देखो जो संख्या लड़ीवार हो देखो लड़ीवार चल रही है एक दो तीन चार पाँच छे सत्त इन विचकार गैप डिफरेंस बराबर है दे गया हूँ एक ते एक दो दो ते एक तीन एक एक ऐड हो रहा ना ठीक है एक एक ऐड हो रहा पता लग गया जी ता करके ये संख्याव लड़ीवार ने गया कंजुगेटिव ने गया तो उदो एवरेज कढ़ी की एवरेज किवें कढ़ी जाऊगी फर्स्ट वैल्यू किनी अपनी वन वन प्लस लास्ट वैल्यू किनी आ सत्त अपॉन। हूँ इतने एक चीज का ध्यान रखना तुम्हें वैल्यू नहीं देखनी भी किनिया ने हूँ आप कई बार उन्हें सत्त ला सकते हैं पर इतने की लगना गा टू इतने की लगना टू देखियो एक ते सत्त अठ अपॉन टू अठ नू दो ते भाग कर किन्ना गया चार ये थोड़ी होगी एवरेज ये चीज होगी थोड़ी एवरेज। हूँ इस चीज़ में आप देखियो किवें एवरेज की होंगी है हूँ अपने पढ़िया से एवरेज भी जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी होंगी है जी एवरेज होंगी है छोटी वैल्यू तो लैके वड्डी वैल्यू के विचकार ही कोई वैल्यू होंगी है वो किवें होंगी है वो चीज़ देखो हूँ ये वैल्यू ले लिया ठीक है जी जो एवरेज कटनी है एक दो तीन चार पाँच छे सत्त संख्या वाले ऑड ने तीन वैल्यू छोड़ो तीन इधर छोड़ो विचकार थोड़ी पई है एवरेज विचकार थोड़ी की पई है एवरेज। मान लो इसी चीज़ में आप यूज कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव पांच वैल्यू ने दो छोड़ो इधर दो छोड़ो इधर तीन की थोड़ी पई है एवरेज। हूँ यही चीज जी अपने अप्लाई की है देख लेने इस अप्लाई होती है देखो गैप बराबर है एक तो एक दो तीन एक चार ठीक गैप बराबर है पहली वैल्यू वन लास्ट वैल्यू पाँच बटा दो एक तो पाँच छे छे बटा दो कि आ गया तीन हाँ जी तीन साढ़ा आ रहा है एवरेज। एक चीज़ थोड़ू समझ लगी देखो ये ऑड के हूँ ये ऑड ने हूँ थोड़े मन के एक डाउट हो गया कि सर जी ये है साड़ भी उन्होंने चलो अपने पता भी कली गलियां नहीं गियां वो वैल्यू अपने हटा लेनिया नहीं गियां भी तेन उधर छटती तेन इधर छटती है विचकार भी साड़ी आ जाती है एवरेज। हूँ जी साडा डाउट आगा जी मान लो साड़ी वैल्यू नहीं है एक दो तीन चार पाँच छे हूँ जी इतने की करना जी तेन इधर छटती है तेन इधर छटती बचाले का कोई वैल्यू है बचाले का कोई वैल्यू है तो उदो देखना किमें पहले चलो उ चीज़ में उस अनुसार कर देंगे कि कहने होंगे एवरेज पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू बटा दो एक ते से सत्त बटा दो अद्ध कर तीन पॉइंट पाँच साढ़े तीन आ गए है ना। हूँ उ चीज़ देखो इधर आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
जो ईवन हो चाहे वह ऑड हो, जो संख्याव चाहे वह ऑड हो चाहे ईवन हो, उन्होंने की होगा कि जो उन्होंकार गैप इक्वल होकर लड़ीवार होदों की करना गा पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन टू इक्वल टू वो कि आ जाएगा अपना एवरेज। हम देखियो मान लो संख्या है जी दो चार छे अठ दस बारह असंख्या दो चार अठ दस बारह देखो गैप बराबर है दो के दो चार चार के दो छे छे के दो अठ अठ के दस दस के दो बारह। हाँ जी गैप बराबर चल रहा है लड़ीवार है दो चार छे मन लड़ीवार भी नहीं है तो आप एवरेज भी कदनी है दो प्लस बारह पहली संख्या लास्ट संख्या बटा दो बारह के दो चौदह बटा दो कि गया सत्त उ चीज़ इतनी रिप्रजेंट करो। देखो इतों ही तुम बिना देखे एवरेज भी किमें कर सकते हो एक दो तीन तीन वैल्यू छड़ियाँ एक दो तीन तीन वैल्यू छड़ियाँ ठीक है एक छड़ती एक छड़ती है छे ते अठ के विचकार कि संख्या थी सत्त सिंपल आ पई है थोड़ी एवरेज छे ते अठ के विचकार थोड़ी एक वैल्यू आ गई एवरेज आ गई वो थोड़ी की है सत्त सत्त नूं आपां इसने नाल भी कढ लिया ते जे आपां सीधा वेख्या जाए तो वो सीधा ही अपनी एवरेज आ गई। हुण चलो जी मन लो और लेके चलते अपन एक तीन पाँच सत्त नौ ये जी सीधा देखा जाए दो इधर छड़ी दो इधर छड़ी पाँच अपनी आ गई है दूजे रूट एक प्लस नौ बटा दो नौ एक दस दो करे अर्ध किन्नी पाँच आई की एवरेज सिंपल तुम यही वैल्यू नहीं मतलब रीप्रजेंट की जाएगी फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन टू वो थी मतलब साड़ी की आ जाएगी एवरेज। हूँ एक एक चीज़ ध्यान में देखो इतने अपन पता है कि लास्ट उपर कि अंक है लास्ट उपर अंक है नौ लास्ट उपर अंक दस बारह कोई भी आ सकता पाँच प्रॉब्लम कितनी आएगी थोनू जो थोनू कह दिता जाए कि जी पहलिया संख्याव लोगों की जाएगा मान लो दो चार छ अठ दस चल रही है लड़ी इनर विच कह जाए कि सू बारह संख्याव का एवरेज पता करो बारह देखो पहले कई संख्याव दो चार छ अठ जिस संख्याव बारह ईवन नंबर की एवरेज पता कर हम देखा जाए पहली संख्या एक दो तीन चार पाँच पाँच तो पता नहीं सानू जी पाँच तक दस आता हम बारह तक की आएगा तुम पहले देखोगे बारह चौदह सोलह अठारह भी लिखते जाओगे फिर तुम बारहवीं तो देखोगे बारहवीं भी किड़ा होगा फिर तुम की करना गा फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू पॉइंट टू फिर थोड़ी की कदो एवरेज पर इतों एक कंसैप्ट होर कि निकल के आएगा भी जो आप कह दिता जाए भी ईवन वैल्यू भी अपन कदनी है एवरेज। हम देखियो एक भी चीज नोट करने वाली है जो कहता जाए थोनू ऐसी चीज नोट करो एवरेज ऑफ एन एन की है नंबर नंबर सुन की होगा बारह जमें उरे बारह का तो एन बारह हो गया पंद्रह कह दिता एन पंद्रह हो गया सोलह कह दिता एन सोलह हो गया एवरेज ऑफ एन नंबर एन ईवन नंबर हम आप ईवन पूछे ना उरे लिखो ईवन नंबर इक्वल टू की हो गया एन प्लस वन बिल्कुल ईजी कहने का मतलब देखियो बारह का बारह की एवरेज पूछी आप ईवन नंबर की बारह च एक जोड़ दो तेरह एवरेज का बिल्कुल ईजी बिल्कुल सौखा
एक जोड़ देना जो तो उन्हें कहता 12 इवन नंबर की एवरेज पता करो लड़ी चलती है। बिहेव सर किमें आ जाएगा तुम किमें कह सकते हो बिहेव 13 एवरेज होंगे। चलो आप प्रूफ भी करते हैं देखो प्रूफ की है। देखो पहली संख्या दो दूजी संख्या चार तीजी छे अठ दस चार ला रहे हैं बारहवें नंबर से की आ गया बारहवें नंबर से की आ गया। हूँ देखो एक दो तीन देखो आ एक आ दो आ तीजी है मतलब तीन दुनी छे चार दुनी अठ पांच दुनी दस फिर बारह संख्या कई होगी चौबी होगी बारहवीं संख्या चौबी होगी क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं एक पहली संख्या दो एक दो तीन मतलब दो चार छे अठ दस बारह चौदह पंद्रह चलती जाएगी तो बारहवीं संख्या की होगी चौबी। बारहवीं पता लग गई अपन चौबी एवरेज अपने पता है कैसे कटनी होती है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू फर्स्ट कटनी अपनी टू लास्ट कटनी अपनी 24 जड़ी अपन ने फाइंड की अपॉन टू अपॉन टू देखो 24 दो 26 बटा दो 26 दस 13 एवरेज आ गई बिल्कुल सब ठीक। हूँ ये संख्या मतलब तुम किस वे करना तुम कंसैप्ट समझ के करना गा क्योंकि तुम मेन गल आ गई कहने की फॉर्मूला कोई नहीं होंगे फॉर्मूला है ना भी की है उस चीज़ को समझना तो अपलाई तुम अपने वे करना गा ट्रिक्स नहीं है वो मैटर नहीं करती हुई ट्रिक्स जिम्मे कहने सू जी आह चीज रुकने आह ट्रिक करवाई है सू आ चीज रुकने आह ट्रिक करवाई है ट्रिक मैटर नहीं करती हुई थोड़ा कंसैप्ट मैटर करता हूँ कि तुम कंसैप्ट कि क्लीयर आई उस कंसैप्ट क्वेश्चन किस वे किस मर्जी तरीके कर सकते हो हूँ यही एवरेज से आपने देखा उसने एन प्लस वन भी कर दिता जो उस चीज़ को अपने कंसैप्ट खोल लिया भी सू पहले बारहवीं संख्या पता कि चौबी आई है पहली संख्या फिर लास्ट संख्या सम कर दो डिवाइड कर 13 की तो करके वो चीज़ थोड़े कंसैप्ट जो क्लीयर हो गया तो थोड़े कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जोड़ा थोड़ू ना निकल सके तुम ना कर सको। चलो जी एक हो गया सा ईवन नंबर का हूँ जो सू पूछा जाए कि ऑड नंबर दूजी टर्म अपनी है ऑड नंबर मान लो कहता उन्होंने एक तीन पाँच सत्त 25 ऑड 25 पूरे लिख दो ऑड नंबर दिए एवरेज पता करो। हूँ देखो मेन वही प्रॉब्लम की हुई भी सानू जी एक तीन पाँच सात ये तो अपन एक पहली वैल्यू पता दूजी वैल्यू पता तीजी पता चौथी पै गई पता सू 25 नहीं पता 25 नहीं पता तो इतने भी एक चीज़ अपलाई होती है। हम देखियो दोनों तरीके करेंगे आप एवरेज ऑफ एन एन तुम दस है जिनी वैल्यू कहा गया वो एन एन उस रीप्रजेंट करता एवरेज ऑफ एन पूरे की आएगा ऑड नंबर उत्थे पहला की लिखा ईवन नंबर इतने की आ गया ऑड नंबर है ना एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इक्वल टू एन मतलब एक ही हो सर ये की आ जो तुम कहता 25 ऑड नंबर की एवरेज पता करो वो हमेशा की होगी 25 जो तुम कहता 100 ऑड की एवरेज 100 150 ऑड की एवरेज 150 हम ये मतलब किमें है वो चीज चलो करते हैं देखो पहली वैल्यू पता दूजी पता तीजी पता चौथी पता उस इवन नंबर के देखो हम देखो एक तीन पाँच सात 25वीं संख्या कितनी होगी 25 दूनी होगी मतलब 50 25 दूनी होगी 50 ठीक है हम 50 ऑड है या इवन है कहोगे सर भी ये तो इवन होगी अपने आप पता की पता करनी है और आपको की पता करनी है और ता इस तो पहले वाली संख्या की होगी 49 की होगी अपनी और ठीक है हम 25वीं संख्या देखो की आ गई अपनी 25वीं संख्या अपनी की आ गई 49 तुम कहोगे सर भी अपना 51 कमी है 51 हो जाएगी 26 क्योंकि अपने दो आ गई वो पहली संख्या की
एक करिए उस तो पहले ली, तो उस तो पहले वाली लैनी अपने पंजाब तो पहला वाली अपने ले ली 49। ये चीज क्लीयर है सारे। हम देखो अपन पहली संख्या पता लग गई, अपन लास्ट संख्या पता लग गई, बटा दो कर देना पहली संख्या कितनी है एक, लास्ट संख्या 25वीं संख्या 49 बटा दो 49 एक 50 बटा दो। लो जी छोटा आंसर आ गया 25 25 25। बिल्कुल इजी 25 और नंबर दिया वेल कितनी हुई 25। उसने अपन ने कांसेप्ट को खोल के भी लिखता फिर भी आ गया अपनी 25। तो ये चीज तुसी नोट कर लो जदों इवन बारे पूछा जावे। देखो ईवन बारे पूछा जाए भी 25 संख्या वाली तो उदो आ जाएगी एन प्लस वन, जो पूछा जाए तुम ऑड दी तो हो जाएगी एन। जो अपन गैप इक्वल दिता ही होदो अपना एक चीज आएगी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। हुण कई बार की दिता हुंदा आपां नूं आपां नूं इह चीज दित्ती जांदी है जी वी एवरेज पता करो जी एन नैचुरल नंबर मतलब की कहना गा। हुण देखो नैचुरल नंबर की स्टार्ट होंदे ने 1 2 3 4 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਈਵਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਈਵਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਐਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਦਾ 50 ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਤੱਕ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲੈਂਗੇ 10 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਮਤਲਬ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 10 ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਮ ਆਫ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਮ ਆਫ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਟੂ ਐਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮ ਨੂੰ ਆਤੀ ਦੇਖਿਓ ਸਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਨਾਲ ਸਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਰੇ ਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਨਾਲ ਐਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਐਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਟੂ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਟੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਬਣੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵਨ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਐਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਪਾਏਗਾ ਸਮ ਆਫ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਟੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਨ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 10 ਬਟਾ 2 10 ਤੇ 11 ਬਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5.5 5.5 ਦੀ ਆ ਗਈ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜੀ ਘਟਾਈ ਗੁਣਾ
जां भाव कीती जांदी है जदों किसी संख्या विच कोई वैल्यू जोड़ी घटाई गुणा जां भाग कीती जांदी है तां उन्हां दी एवरेज विच भी उसे तरह संख्या जोड़ी घटाई गुणा जां भाग होवेगी। कहना की चाहता था देखो कहना मान लो संख्यावां सी 2, 4, 6 मतलब बच्चे को कहता तुसी मतलब वही चीज मैं आपां लेके जांदे जो शुरू तो करी थी कि उन्होंने कहता तुसी रुपये लेके आना है किसी ने 2 लिया 4 लिया 6 लिया मतलब कि 4 3 2 6 6 12 4 2 3 4 6 मतलब एक पहले इन्हें दी एवरेज करते हैं इन्हें दी एवरेज होगी अपनी 1 2 3 3 4 10 12 3 4 इन्हें दी आ गई अपनी एवरेज है वो तो सिंपल भी कर सकते हैं इधर छड़े 4 अपनी एवरेज हुण की कह रहेगा किसी संख्या विच कोई वैल्यू जोड़ी घटाई है ना मतलब उन्होंने उन्होंने कहा गया कि तुसी 2-2 रुपए एक्स्ट्रा लेके आओ तो हुण इन्हें किन्ने ले आंदे 4 ले आंदे इन्हें किन्ने ले आंदे 6 ले आंदे इन्हें किन्ने ले आंदे 8 ले आंदे इन्हें 4 ले आंदे 6 ले आंदे 8 ले आंदे ठीक है हुण इन्हां दी एवरेज देखो देखो 4 6 8 बटा संख्या वाला तो नहीं है वो तो कुछ नहीं है 6 4 10 8 18 18 3 ये हो गया अवे 6 इनो ये भी कर सकते हैं इकट्ठे छड़ गया 6 अपने आप ही पई हुन ये चीज नु इना रिलेट करके देखो जदो किसी संख्या विच कोई वैल्यू जोड़ी की कीता अपने जोड़या कितना 2 जे घटाउंदे तां घटा सकदे थी हुन जोड़या 2 है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 2-2 ਦਾ 2 ਦਾ ਵਾਧਾ 2 ਦਾ ਵਾਧਾ 2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 2-2 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ 4 ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 6 ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ 2 2 4 4 2 8 6 ਨੂੰ 12 ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ क्वेश्चन आला देखो कहता व्हाट इज द एवरेज ऑफ व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर इंटीजर कह लो नंबर कह लो ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7 देखो कंसेप्ट जेड़ा अपना ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਫਸਟ 6 ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਬਾਈ 7
ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤ ਤੇ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਤ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਤੇ ਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਲਓ 38, 42, 49, 56, 63, 70। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋਇਆ ਸੱਤ, ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੇ 14, 21, 22 ਸੱਤ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ 6 ਔਡ, 6 ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਡ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ 14 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਆਪਣੇ 21, 28 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 35, 42 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 49, 56 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 63, 70 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 73। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ 6, 6 ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣੀ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 7, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 21 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 14, 21 ਤੇ 35 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 14, 14, 14। ਲੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਅਪੋਨ 2। ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 7, ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 77, ਵਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 84, ਵਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, 42। ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੀ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ, ਫਸਟ 6 ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਔਡ ਲੈ ਲਓ, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 11। ਦੇਖੋ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ, 1, 3, 5, 7, 9। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਅਪੋਨ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, ਵਟਾ 2 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਏ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਏ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 6 × 7, 42। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ। ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ 42 ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 42 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ 7, 21, 35, 49, 63, 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਆ 36, 37, 38, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ, ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ, ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣੀ 13 ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਆ, 6 ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡੋ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ਇੱਧਰੋਂ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ 42 ਐਵਰੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ 42 ਐਵਰੇਜ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਪਾਉਣ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ 19 ਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਉੱਧਰ, 19 ਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਉੱਧਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਦੇਖੋ 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ,
13 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਟੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਧਰ 6 ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ 6 ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਸੋਡੀ 7ਵੀਂ ਆ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੀ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 42 ਫਿਰ 49 ਤਾਂ ਇਹ 7 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 49 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 42 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ 1 to 45 ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ 1 2 3 4 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ 45 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 44 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ ਨੰਬਰ ਆਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 1 45 ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਆਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 1 + 45 ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 46 2 3 ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੇਖੋ 1 ਆਡ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਵਨ 2 ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 45 ਆ ਇਹ ਆਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਵਨ ਈਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 1 to 45 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 45 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 45 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ 44 ਥੱਲੇ ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ 2 44 ਤੇ 2 46 ਬਟਾ 2 ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 23 ਦੋਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈਆਂ 23 ਤੇ 23 ਆਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਐਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਮ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 10 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 12 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 2 ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪਾਨ 6 ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 2 ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪਾਨ 6 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਨ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ 2n + 1 / 6 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਨ ਹੁਣ ਆ ਐਨ ਨਾਲ ਆ ਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 2n ਪਲੱਸ 1 ਅਪਾਨ 6 ਐਨ ਪਲੱਸ 1 2n ਪਲੱਸ 1 ਅਪਾਨ
सिक्स इन अपनी आ गई एवरेज, एवरेज किन्ना दी स्केयर ऑफ एन नेचुरल नंबर। हुन देखो ए सम की कहना है, कहना कैलकुलेट दी एवरेज, कैलकुलेट दी एवरेज ऑफ फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर के जिहड़े नॉन नेचुरल नंबर ने के पहले उन्होंने स्केयर की एवरेज करनी है। हम आप देखो आप एक चीज पढ़ी है कि भी एवरेज की होंगी है, जिहड़े एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स यह स्केयर की एवरेज होंगी है। हम फर्स्ट एन मतलब कि नौ उदे जी एन की वैल्यू होगी वो की है नौ, तो जिथे जिथे एन उ पुट कर दो नौ, नौ प्लस एक दो, टू एन मतलब कि दो गुणा नौ प्लस वन अपॉन की आगा सिक्स, नौ तो दस ठीक है, नौ दूनी अठारह प्लस एक उन्नी बटा छे, देखो दस गुणा उन्नी बटा छे, देखो दस दस पंज छे दस तीन, उन्नी पंज पचानवे बटा तीन, यही की होगी थोड़ी एवरेज। इनू डिवाइड कर लो, डिवाइड करके पॉइंट के आ जाऊगा, डेसिमल के आ जाऊगा, जो थोड़ा आंसर पचानवे बटा तीन ना तो पचानवे बटा तीन भी लिख सकते हो। नौ दूनी अठारह प्लस एक उन्नी बटा छे, दस गुणा उन्नी बटा छे, वो चीज़ कैंसल कर दो, जो कैंसल हो रही है कि कैंसल कर दो, जो नहीं हो रही तो वो थोड़ा आंसर इत तक आ गया पचानवे बटा तीन। सो दोस्तों ये अपना एवरेज कंसैप्ट है। जो दोस्त स्टूडेंट ने वो कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार वालों बहुत सारी पोस्टा नहीं हैं जो अनाउंस हो चुकी नहीं है, तो तुम भी चाहते हो कि इस साल के जो तुम कंपीटिशन के आ सको, एग्जाम क्रैक कर सको, तो अपनी जॉब में तुम रह सको, तो हमने आधार क्लास से अपने आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। बैच स्टार्ट होने वाला है, यह डेमो क्लास ने अज की डेमो क्लास आ रही है, तो करके जल्दी तो जल्दी तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोर्स एडवो, तो आप जो अपना सिलेबस है वो अगे कंटिन्यू कर सकी। सो अज भी इन्नी है, धन्यवाद।